प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में 6 मीटर तक लहरें उठ रही हैं। पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। एनडीआरएफ की 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। तो तूफान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आ रहा है तूफान यास, जिसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, खास करके पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों में। और कुछ देर में ही ये टकरा सकता है, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराएगा। ऐसे में इलाके को खाली करा दिया गया है। एनडीआरएफ की 115 टीमों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। तो ओडिशा के कामरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धामरा में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये शुरुआत तेज हवाओं के साथ बारिश, और सबसे ज्यादा तूफान नुकसान पहुंचाता है जब वो पूरे शबाब में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो टकराएगा, तो बारिश के साथ साथ तूफानी हवाओं से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। दोपहर 12 बजे तट से टकराने का अनुमान है। कोलकाता की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी अय्यास का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी तेज हवाएं चल रही हैं। पहले ओडिशा और बंगाल में कई जगह भारी बारिश होगी। ओडिशा के भद्रक में एक शख्स की मौत की भी खबर है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जहां पर तेज हवाएं और बारिश। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि 11 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं। तो समुद्र के किनारे की आबादी को लगभग दूसरी जगहों पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। तो तूफान आगे बढ़ रहा है। दीघा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल दीघा की ये तस्वीरें। हालांकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एहतियात यहाँ पर बरतने को कहा गया है। हालांकि ऐसे तूफान जब आते हैं तो लोगों को देखने की भी इच्छा होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक। दीघा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तेज हवाओं के साथ जब ये टकराता है तूफान, तो समुद्री लहरें ऊंची हो जाती हैं और अपनी हदें छोड़कर वो शायद आगे भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में खतरा हो सकता है। लोगों को एहतियात के तौर पर वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सावधानी 115 एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। तो दीघा की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल। तूफान के बाद बहुत जल्द यास तूफान का सामना कर रहा है देश, और ओडिशा के बालासोर के करीब पहुंच चुका है तूफान। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ है चक्रवाती तूफान यास, तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ा गया और 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अंदाजा आप लगा सकते हैं। इतनी तेज तस्वीरें, हल्दिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की। तो समंदर में 6 फीट तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। हल्दिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काले बादल साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। समुद्री तट है हल्दिया का पश्चिम बंगाल में। हालांकि यहां भी अलर्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर कोई लोग मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास के जो तटवर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो मछुआरे हैं, या आसपास जो आबादी है, इसे लेकर अलर्ट करने के साथ साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। नुकसान जो होता है वो तेज तूफानी हवाओं से होता है, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में बड़े बड़े पोल्स, होर्डिंग्स, छोटे मोटे मकान, इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। और पिछले तूफान की अगर हम बात करें ताउते में, तो समुद्री जो तूफान है, जब ऊंची लहरें उठती हैं, तो ये पानी सरहदों को छोड़कर आगे बढ़ता है, उसमें भी नुकसान ज्यादा होता है। तो नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। हालांकि इस जगह से भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, क्योंकि मछुआरे जो होते हैं समुद्र में जाने के लिए, नौका आप देख सकते हैं, तो उन सभी लोगों को यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। जान माल को नुकसान ना हो, उसका ध्यान एनडीआरएफ की टीमें रख रही हैं। 115 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई हैं, और एहतियात यहां पर बढ़ता जा रहा है। और विकल्प के तौर पर अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में जो पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं या जो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी
इलाज में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उस बात को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये धामरा ओडिशा की तस्वीर है। तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ समुद्र में तेज ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जो कि 6 फीट हो सकती हैं, और यही लहरें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो महातूफान है याज, जिसका सीधा असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा है कि 11 लाख से ज्यादा लोगों को तटवर्ती इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, हवाई सेवाएं रोक दी गई हैं, और इन इलाकों से जो रेल यातायात है या जो ट्रेन इस समय पर गुजरती हैं, उन पर भी उनको भी रद्द कर दिया गया है। धामरा की तस्वीरें उड़ीसा की, जहां पर समुद्री लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तेज हवाओं के साथ साथ बारिश और फिर समुद्री लहरों का तेज उठना। और आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और ये कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा समुद्र में तूफान देखने को मिलता है। समुद्री हलचल जो होती है वो पूर्णिमा के दिन तेज होती है। तो ये तेज हवाएं धामरा के उड़ीसा की। तो पिछले तावते तूफान में भी हमने देखा था कि तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया था। पानी जो है पश्चिम बंगाल में